मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी सीट पे सो रहा था, इस वाली सीट पे, और मेरे फ़ोन से भाई जेब से फ़ोन, मतलब मेरी इस वाली जेब से फ़ोन निकाल लिया, पता नहीं किसने। कौन सा स्टेशन था अंकल वाला? बीना, बीना स्टेशन पे अंकल लोग यहीं पर ही सो रहे थे, मेरा फ़ोन निकाल लिया भाई जेब से, ठीक है। और चार्जर इसी जेब में है, फ़ोन मैं उल्टा सोया हुआ था तो मेरे ख्याल से फ़ोन इसी वाली जेब से निकाला है, मेरी राइट हैंड वाली। और इसी बारे में कंटेंट सब मिट्टी में जा चुका है, पूरा कंटेंट मिट्टी में जा चुका है। दो दिन का वीडियो था उसमें, दो दिन का वीडियो जा चुका है पूरा। और क्या ही बोल सकता हूँ मैं यार उसके अलावा। मैंने स्विच करा अभी आईफोन पे, बुआ का आईफोन लिया मैंने अपनी, और भाई पीना जंक्शन के पास मेरा फ़ोन जा चुका है। भाई प्लीज़ कोई भी हेल्प करा सको, प्लीज़ हेल्प कराना। मेरी क्लिप्स आप लोग देख ही रहे हो रेगुलर, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतने टाइम से, डेढ़ महीने साल हो गए, और कुछ महीने से मतलब मोस्टली पिछले चार महीनों से मैं लगातार ब्लॉग डाल रहा हूँ, मेरे अभी भी ये दो ब्लॉग अटके हुए हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है भाई, कुछ सब कुछ। प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, बहुत ज़रा लाइक कर सकते हो तो कर दो, है ना मम्मा? फ़ोन जा चुका है यार, फ़ोन भाई पापा लोगों की डांट खा रहा हूँ वहाँ से। प्लीज़ अब आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि यार एक फैमिली मेरी यहाँ पर है तो दूसरी फैमिली आप लोग भी हो, तो प्लीज़ आप भी लोग का सपोर्ट चाहिए, तभी मेरा कुछ ना कुछ हो पाएगा, प्लीज़ यार, ठीक है। मेरी सब आईडी भी वहीं पर उसी में लॉगिन थी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी हर पर्सनल चीज़ उस चीज़ में डॉक्यूमेंट, मतलब हर उस फ़ोन में डॉक्यूमेंट थी। अब मैं पता नहीं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम मेरा आईडी लॉगिन सब उसमें था भाई। प्लीज़ बहुत सपोर्ट कर दो प्लीज़ यार, बहुत मैं दिल से चाहता हूँ भाई सपोर्ट कर दो प्लीज़ आप लोग, वरना मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा कसम से। और अभी हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं, अभी सुबह का टाइम है थोड़ा बहुत, ठीक है। और मैं अभी भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, पता नहीं किस दिल से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। मेरा 40,000 का फ़ोन मेरा पानी में जा चुका भाई, पापा लोग भी मेहनत करते हैं, सब दिलवाते हैं, इतनी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे। अपनी कमाई पर पिन लिया था मैंने, तो अपनी कमाई पर लिया होता ना तो भी बात सही थी कि चलो खो गया नया खरीद लूँगा, लेकिन अपनी कमाई पर पिन लिया था। प्लीज़ सपोर्ट कर दो भाई, प्लीज़ सपोर्ट कर दो, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मुझे। जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करोगे उतनी ज़्यादा हेल्प होगी मुझे, प्लीज़ कर देना सभी लोग। और भी RPF आ चुकी है मेरे पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि जहाँ पर आप उज्जैन जहाँ उतरोगे आप वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दिखाना अपनी, ठीक है। और बस यही कर सकता हूँ मैं, प्लीज़ यार सभी लोग जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हेल्प करो मेरी, अभी बहुत ज़्यादा हेल्प, बहुत अर्जेंट नीड है हेल्प की। मेरे दो व्लॉग जो कि मुझे, मैंने एक क्या बताऊँ मैं यार, मेरा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, क्या करें भाई। भाई यार इन सब का भी मूड ख़राब हो गया मेरे चक्कर से। गाइस अभी ट्रैवल ही कर रहे हैं, सुबह का हो रहा है 5:50। बस आप लोग सभी लोग जो देख रहा है वीडियो, मेरी हेल्प करा सको तो कराना, सभी लोग लाइक कर देना, अपनी अपनी तरफ से ये हेल्प करा सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो भाई प्लीज़ कर देना सभी लोग, ठीक है। हम लोग चेक कर रहे हैं क्योंकि IRCTC वाले जो चाय वाले हैं ना, उनमें से ही किसी ने मेरा फ़ोन चोरी करा है। एक्चुअली बात ये है, तो अभी मैं जा रहा हूँ, फ़ोन स्विच ऑफ है मेरा, ठीक है। और एक जीमेल से एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है, एप्लीकेशन होती है जिससे कि मेरा फ़ोन बच सकता है स्विच ऑफ होने के बाद भी, तो एक बार अभी वो काम कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कि इस वाले भाई पे है। आपके पास भी आया था क्या? वहीं पे लेट रखा था वही सीट पे, तो गाइस वही चोर भैया की सीट पे भी आया था, ठीक है, और उसने मेरा फ़ोन चुराया है भाई। हद तक चोरी देख रहे हो, ट्रेन में कैसी चोरी हो रही है, और RPF वाले भी यार भाई ऐसे चोरी होगी तो भाई क्या फ़ायदा। लेकिन वो हेल्प करा रहे हैं मेरी, हेल्प करा रहे हैं, और अभी आगे भी हेल्प कराएंगे मेरी, पता है किसी की सोची समझी साजिश है वो, पता है मेरे, मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहा था, मुझे वो समझ लो कि जब से मैं बरेली से निकला था वो बंदा मुझे फॉलो कर रहा था, ठीक है। वो इन वाले भैया की सीट पर इसलिए पहुँचा ना क्योंकि पहले उस सीट पर मैं बैठा हुआ था, और मुझसे पता नहीं कौन सी जलन थी भाई को, मेरा फ़ोन चुराना था, उसका ये था कि इसका फ़ोन चुराना है मुझे, फ़ोन आया चुराया और चला गया भाई। ये तो खुश रहे, लेकिन भला नहीं होगा भाई तेरा, कसम से भला नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करी है मैंने, और मेरी मेहनत भगवान से व्यर्थ जाने नहीं देंगे, ठीक है ना, देख भी रहा होगा ना तू, भगवान मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देंगे, लेकिन तेरा भला नहीं होगा भाई, तू ध्यान रखना भाई। तो अभी पता नहीं कौन सा स्टेशन है, ये कोई हॉल्ट है पता नहीं, क्या नाम है भैया? भैया सुजालपुर भाई, छोटा सब्सक्राइबर है अपना, पता है कैसे? बढ़िया वीडियो देखे हुए मेरी अब? चलो बढ़िया है, मैं घर जाके देखूंगा पक्का। भाई बहुत हेल्प कराई भैया ने भी, इसके मामा ने भी, और इसने भी मेरी, अभी फ़ोन खोया ना मेरी, इन्हीं लोगों ने ज़्यादा हेल्प कराई भाई मेरी,
अभी इस वाले हॉल्ट पर रुके हुए हैं हम लोग। और लेकिन भाई मुझे बहुत चीज़ बुरी लग रही है कि फ़ोन चोरी हो गया यार। पापा की मेहनत थी मेरे, ठीक है ना, 40,000 रुपये उन्होंने दिए थे, बोले चल तू कर अपना काम कर, मैं दे रहा हूँ वैसे, लेकिन व्यर्थ तो जाने नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना भाई। फ़ोन तो मैं ले लूँगा, ठीक है फ़ोन मैं ले लूँगा, फ़ोन अपनी मेहनत पर भी ले लूँगा भाई, लेकिन जो उसने चुराया है ना, देख भी रहा होगा नहीं भी देख रहा होगा, लेकिन भाई भला नहीं होता ऐसे, ठीक है। तुम्हारा घर रोजी रोटी मुझे पता है इसी से चल रही है, लेकिन क्या तुम भाई किसी यार 40,000 रुपये का मेरा था वो नुकसान कर दिया तुमने यार, तुम उससे रोजी रोटी चलाओगे, क्या फ़ायदा ऐसी रोजी रोटी का भाई। और भाई ट्रेन चल दी है, हाँ चल दी है, चलो बैठते हैं, देखो चल दी। मैं उतर चुका हूँ उज्जैन, महाकाल के पास आते हो गया, बस महाकाल कमाल कर दे, मेरा फ़ोन दिलवा दें कहीं से, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा फ़ोन, क्योंकि मेरी दादी की फ़ोटो लगी है, प्लीज़ यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काश मिल जाए। और चलें भाई, अब जाना हम लोग को पुलिस स्टेशन, ठीक है, वो उन्होंने कहा था कहीं मिलने को, तो वहाँ जाकर मिलते हैं उनसे फटाफट से। अब इसको हम लोग पहुँच चुके हैं भाई GRP, जो रेलवे स्टेशन है ना RPF का, वहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, ये है GRP थाना उज्जैन। चलो चलते हैं अंदर, जाकर कंप्लेंट वगैरह करवाते हैं। तो गाइस यहाँ जाकर ही निराशा ये हाथ आई, वो कह रहे हैं कि अगर मिल भी जाता है फ़ोन तो फिर आपको दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील अकील करना पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने सोचा चलो रहन देते, कोई भाई FIR नहीं करवाई मैंने, कुछ नहीं करवाया, और सिम बंद करवा दूँ घर पे, और कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि जब आज रात में निकलूँ ना मैं यहाँ से, उस चोर को पकड़ सकूँ अकेले दम पर, कोशिश करूँगा। वाला ब्लॉग देखना आप लोग, और चलो अब भाई सारे लोग कहीं पकड़ देते हैं एंड। तो आई होप ये ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद तो क्या ही आया होगा, इससे अच्छे अच्छे मैंने ब्लॉग्स बना कर रखे थे, पीछे कंटेंट सब डिलीट हो गए हैं, चले गए वो चोर ले गया, अब भाई कुछ तो कभी नहीं होगा वो, ठीक है ना, मेरे पापा की मेहनत की कमाई थी, ठीक है ना, कुछ तो कभी नहीं होगा वो। और चलो एंड कर देते हैं सारे लोग को, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।